दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। A18 तेलंगाना न्यूज पर अब्दुल रहीम ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अंजया की काले करतूतों का किया खुलासा। पुलिस कांस्टेबल अंजया जो मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के है, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हुए वो अब्दुल रहीम नामी शख्स के पास से रिश्वत की मांग कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर रिश्वत नहीं देंगे तो उनके खिलाफ राउडी शीट दर्ज कर दी जाएगी। A18 तेलंगाना न्यूज के साथ खास बातचीत में अब्दुल रहीम ने खुलासा किया कि किस तरह उन्हें हरासा और ब्लैकमेल किया जा रहा है रिश्वत देने के लिए। अब्दुल रहीम की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मोइनाबाद पुलिस स्टेशन कांस्टेबल अंजया को हिरासत में ले लिया गया। आइए नाज़रीन देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मेरा नाम, मैं मोइनाबाद का रहने वाला हूँ। 2019 में मेरी पल्सर 150 गाड़ी सीज कर रहे थे मोइनाबाद पुलिस स्टेशन, तो कोर्ट से रिलीज करा लो बोल के उन्होंने बोले। कोर्ट से जब मैं कोर्ट में जाके पिटीशन डाला मेरी गाड़ी है, तो कोर्ट बोली कि नहीं तुम्हारी गाड़ी अभी सीज करे सो फॉर्म 61 पुलिस हमारे को नहीं दी। जब हम फिर पुलिस के पास जाके अप्रोच हुआ, भाई आप गाड़ी सीज करे लेकिन कोर्ट में नहीं डाले बोल के, कोम्मू अंजलिया बोल के कॉन्स्टेबल है क्राइम ब्रांच के, उनको पूछा तो उन्होंने बोले ऐसे कैसा डालते, उसके लिए खर्चा होना पड़ता, वो होना पड़ता बोल के 2000 रुपीज़ लेके एक साल के बाद उन्होंने फॉर्म 61 कोर्ट में दे के हम इनकी गाड़ी अब्दुल रहीम की गाड़ी सीज करे बोल के। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद मैं रिलीज ऑर्डर जब लेके आया, यही कोम्मू अंजलिया जो क्राइम ब्रांच के हेड कॉन्स्टेबल है उन्होंने क्या करे, हालांकि वो ऑर्डर पे लिखा हुआ था टू द SHO ही इसको ये एनवलप को खोल सकता, वो कम्मू अंजलिया क्या करे लेके वो फाड़ दिए। फाड़ के क्या बोले, इतना आसानी से नहीं मिलती बोल के कोर्ट जवान को फ़ोन करे, कोर्ट जवान बोलता नहीं मेरे को भी ऐसा होना वैसा होना। फिर उसके बाद फिर कम्मू अंजलिया क्या बोलते, तुम ऑर्डर लेके आओ नहीं तो तुम्हारे पर रॉडी शीटर ओपन करते हम, तुम्हारे को दूसरे केसों में बुक करते हम, तुम्हारे को जीने नहीं देते, तुम रात में घर को जल्दी चले जाना, ऐसा कुछ कैसा नहीं है, इतना सब हरेसमेंट सिर्फ 2020 से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आखिरी में जब बहुत ओवर हो गया था इनका, तो जब एंटी करप्शन की हेल्प लिया मैं, जाके उनसे अप्रोच हुआ, ऐसा पूरा किस्सा सुनाया, मेरी गाड़ी सीज कर दिया सर, रिलीज नहीं कर रहे, कोर्ट का ऑर्डर आके बाद भी रिलीज नहीं कर रहे, 10,000 दियो बोल के मांग करे। तो जब एंटी करप्शन वाले क्या करे, मेरी हेल्प करे, प्रूफ देखे, उन्होंने मंगे क्या उनको कॉल रिकॉर्डिंग्स दिया मैं ऐसा सब पूछ रहे बोल के, तब एंटी करप्शन वाले क्या करे मेरे साथ बोल के, तब एंटी करप्शन वाले क्या करे मेरे साथ आकर उनको रेड हैंडेड अरेस्ट करे। कुम्मू अंजलिया उनका नाम है, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल है उन्होंने। स्टार्टिंग से बोल रहे फ्राइडे के दिन उनको अरेस्ट करे रेड हैंडेड, 10,000 जो मेरे से ले रहे थे रेड हैंडेड, फ्राइडे के दिन इवनिंग 6 o'clock को उनको अरेस्ट किए। हाँ गाड़ी मिल गई मेरे को, अभी उसकी कीस नहीं मिली, कीस नहीं है, ACP ऑफिस में है बोले कीस, ACP साहब कहने गए तो बोले, ACP साहब बोले नहीं कीस यहाँ पर ही नहीं है, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में गाड़ी पकड़े, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में ही रहते कीस बोले, वहाँ के CI वहाँ के दूसरे कांस्टेबल्स क्या बोल रहे नहीं कीस नहीं है गुम गए। मेरा साथ में हेल्थ कार्ड भी था, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला, इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड। मैं इंसाफ चाह रहा हूँ कि मेरे कीस मिल जाना, मेरा हेल्थ कार्ड मिल जाना, ऐसा मेरे को परेशान क्यों कर रहा, ना कि कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली पीली का ये पुलिस से हरेसमेंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। पुलिस है, पुलिस का काम करना, जो असल क्रिमिनल्स है उनके ऊपर आप केस नहीं डाले, मधु यादव के ऊपर पोक्सो एक्ट नहीं डाले आप, हम जैसे लोगों पे पोक्सो एक्ट डाल के जेल में भेजा रहे। जब मधु यादव का हुआ था माइनर लड़की थी, पोक्सो एक्ट आना कंपलसरी था, पोक्सो एक्ट नहीं डाले सिर्फ आप किडनैप मर्डर बोल के डाले सिर्फ, ऐसा पुलिस बायस नहीं रहना चाहिए, क्या वो TRS पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, सब इक्वल, हम सब इक्वल है, हम सब तेलंगाना हिंदुस्तान के शहरी है, हम सबको एक बराबर देखना चाहिए। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम,
रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन। सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी। बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में। बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।